उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए प्रभु जो उस पर भरोसा करता है, प्रभु उसको कभी भी निराश कर नहीं करता। उसी तरह प्रभु ने मेरे जीवन में एक कार्य किया, उसी को मैं गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ। हाल ही में कार्य यह है कि प्रभु पवित्र आत्मा का भरा मुझे अगुवाई करके मुझे चला रहा था, तो मैं अपने आप में कमिटमेंट करने के लिए प्रभु सहायता किया और वो कार्य करने के लिए कृपा किया। डेली प्रभु का वचन अपलोड करने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है, क्योंकि मैं बड़ा पास्टर नहीं होता, मैं कुछ पास्टर भी साधारण पास्टर नहीं होता, जो प्रभु का कृपा अनुग्रह से इवेंजलिस्ट का काम कर रहा हूँ, जो भी बुलाएगा जाके प्रभु का वचन पढ़ता और ये मीडिया के माध्यम से बहुत लोग फोन में जुड़े हैं, बहुत लोगों को प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तो ऐसा ही चलते आ रहा, तो बीच में दो दिन पहले मेरा फोन खराब हो गया था, पानी गया था। तो फोन खराब होकर के मेरी चिंता नहीं था, उस दिन का वचन कैसा, लोगों को मेरा संदेश कैसा भेजना, पूरा इसमें डाटा था। ये अच्छा करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो उस रात मैं प्रभु के पास घंटा, आधा घंटा से घंटा तक, ज़्यादा नहीं, घंटे गिड़े रख के प्रभु से विनती किया, प्रभु से एक ही प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बैंक में भी कुछ नहीं है, आपका कृपा है तो मुझे सहायता कीजिए, नहीं तो नहीं प्रभु, बोल के मैं प्रार्थना करके विनती से रहते छोड़ दिया। दूसरे दिन दूसरा अकाउंट है मेरा, उसमें कुछ भी नहीं था, मेरा कुछ नहीं था। तो उसमें प्रभु का प्रेरणा है, चेक करो उसमें। तो हम चेक करें तो उसमें जितना मोबाइल को जरूरत है उतना पैसा आया, किसी को पूछा नहीं, मैं किसी को बोला नहीं, केवल प्रभु को बोला। प्रभु मेरे प्यारे रे बेना, देखिए आकाश पक्षी देखिए वो बोते नहीं, मैं खाने के लिए प्रभु व्यवस्था करता है, प्रभु वही बोलता है। इस संसार के चीज़ों के लिए चिंता मत कर, ज़्यादा परेशान मत हो, स्वर्ग का राज्य के लिए खोजो, सब कुछ आपके पीछे आएगा। सब कुछ आपके पीछे आएगा मतलब धन दौलत नहीं है, आपका जरूरत पूरा होगा, आपको शांति समाधान से प्रभु चलाएगा, आपके द्वारा कई लोगों को प्रभु बचाएगा, वो आपको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, केवल प्रभु को मालूम है। ये बात मैंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मालूम उदाहरण पे अंत होने वाला सब कुछ मालूम है, मगर कभी अंत का किसको मालूम है। उसी तरह प्रभु आपके द्वारा क्या काम करेगा आप नहीं जानते, मेरे द्वारा क्या काम करेगा, आपके द्वारा मेरे को सहायता करेगा, मेरे द्वारा आपको सहायता करेगा। जो आत्मा का प्रेरणा से अपन जाना चाहिए, मैं उस फोन के विषय में प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसको प्रशंसा देता हूँ, दिल से उसको दुआ करता हूँ, क्योंकि उसके सिवा अपना कोई नहीं है, सब रिकवरी कुछ काम नहीं है, वो है तो सब कुछ। इस तरह दाऊद महाराज बोलता है, मेरे घर में कुछ रहो मत रहो, मैं प्रभु को पकड़ के आनंद देता हूँ। क्या ऐसा आप मैं बोल सकते, मैं वो बात दावे के साथ बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे वैसा रखा। मैं धनवान नहीं होता, मैं आत्मा में धनवान हूँ, प्रभु सामर्थ्य शांति समाधान मुझे दिया, वो कोई चुरा नहीं सकता। जो प्रभु को समझता है वही उसमें रह सकता है ऐसा। तो प्रभु मेरे प्यारे बहनों, और बहुत सारे प्रभु ऐसा कार्य किया, मगर अब तभी नहीं होगा प्रभु ये कार्य करेंगे। तो ये अपन से शेयर करना, बल्कि आशा से मैं शेयर कर रहा हूँ। अपन कहीं किसी का भी अपन गवाही सुनते रहते, खुद का गवाही किस तरह रहता, आनंद समाधान ऐसा रहता, सामर्थ्य देता प्रभु का कार्य। तो प्रियो आप अपने जीवन में प्रभु का कार्य होने के लिए प्रभु की ओर बढ़ो, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, उनकी मिस्टेक हो जाती है, फिर भी पीछे मत हटो,
आगे बढ़ो। धार्मिक कितनी बार भी गिरो उठता बोल रहा है, वचन में लिखा तो आप उठो प्रभु को और बढ़ो। देखिए कितने लोग, कौन? दाऊद महाराज और योना, वो लोग गलतियां किए मिटे गए, फिर पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु को क्षमा करके उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और आपको भी वैसा इस्तेमाल करेगा। देखो साउल पाउल कैसा बना, तो अपन दुख होने की जरूरत नहीं है, प्रभु में आनंदित होना। लोग क्या समझते हैं क्या बोलते हैं उसको ध्यान मत दो, अगर उसको ध्यान दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, प्रभु के राज्य के लिए नहीं जी सकते। प्रभु के राज्य के लिए जीने की कोशिश करो, अपने आप को प्रभु को सौंप दो, प्रभु का कार्य आपके जीवन में देखो। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु का कृपा अनुग्रह आप सबको साथ रहे, आमेन।